आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की पुलिस का संयुक्त फ्लैग मार्च। बड़वानी पुलिस अधीक्षक श्री पुनीत गहलोत एवं नंदुरबार पुलिस अधीक्षक पीआर पाटिल के निर्देश पर चुनाव आयोग की प्राथमिकताओं के अनुरूप निष्पक्ष और निर्भीक मतदान के लिए आज मध्य प्रदेश के खेतिया व महाराष्ट्र नंदुरबार के मसावत थाने के पुलिस बल ने खेतिया शहर और इससे लगी महाराष्ट्र के खेड़ दिगर में संयुक्त फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च को लेकर दोनों ही नगर निरीक्षकों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर नियंत्रण हेतु संयुक्त फ्लैग मार्च किया जा रहा है। खेतिया से राजेश नाहर की रिपोर्ट। फ्लैग मार्च निकला है, इसकी वजह है कि अभी जो मध्य प्रदेश में असेंबली इलेक्शन चल रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे नंदुरबार जिला के पुलिस अधीक्षक माननीय श्री पी आर पाटिल सर, इन्होंने हमें आदेशित किया था कि दोनों पोलिटिशन के संयुक्त रीतिया, जैसे अभी खेतिया पोलिटिशन और मसावत पोलिटिशन, एक संयुक्त तो फ्लैग मार्च लिया जाए। वो हिसाब से फ्लैग मार्च अरेंज किया था, उससे ये जो चुनाव है वो शांति से संपन्न हो और हमारा नंदुरबार जिला जो है मध्य प्रदेश के बाउंड्री पे है और नंदुरबार ज़िले में तीन पोलिटिशन ऐसे है कि जो बिल्कुल मध्य प्रदेश को लग के है, जैसे कि शहादा पोलिटिशन और मसावत पोलिटिशन और धड़गांव पोलिटिशन, और सभी पोलिटिशन के अंडर में दो दो तीन तीन जगह, टोटल पांच जगह नाकाबंदी की गई है और हमारे तरफ से कोई भी इल्लीगल एक्टिविटीज़ मध्य प्रदेश में ना जाए, जैसे कि अवैध पैसा है उसका ट्रांसपोर्टेशन है या अवैध लिकर है या कोई भी कीमती चीज़ जो इल्लीगल है वो उसे रोक लगाने के हमको माननीय पुलिस अधीक्षक पी आर पाटिल सर, इन्होंने निर्देशित किया है और वो हिसाब से हमारा काम चल रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पुनीत गहलोत साहब के निर्देशन में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस का संयुक्त रूप से आज फ्लैग मार्च थाना खेतिया और बॉर्डर पे और महाराष्ट्र मसावत थाने के दोनों संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया, जिसे चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ।